नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो कोई यूट्यूब वीडियोज है तो आपने वीडियो को गूगल एडवर्ड के जरिए आप किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। हालांकि गूगल एडवर्ड के जरिए आप कुछ भी अपने वेबसाइट है, कोई सेल्फ पेज है आपका, कुछ भी चीज़ आप जो प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा कि आपके जो यूट्यूब चैनल का कोई वीडियोज है उसको आप गूगल एडवर्ड के जरिए आप किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियोज को गूगल एडवर्ड के जरिए प्रमोट करते हैं तो आपकी वीडियोज पर व्यूज भी काफ़ी आते हैं और आपके जो कम सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर भी काफ़ी हो जाते हैं। ये एक जेन्युइन तरीका है गूगल का ही, जो एक प्रोडक्ट है गूगल एडवर्ड, जिसके जरिए आप जो है अपनी वीडियोज को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर कि आप जो अपनी वीडियोज को प्रमोट किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना जो एडवर्ड का जो अकाउंट है वह अकाउंट हमको क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो जैसे मैं आप देख सकते हो, मैंने जो अपना एडवर्ड का अकाउंट ओपन कर लिया है और आपको न्यू कैंपेन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। मैंने जितने भी कैंपेन होंगे वो पहले से चल रहे होंगे, तो अब चलाए हुए हैं तो वो आपको शो होंगे, बट हमको क्या करना है, न्यू कैंपेन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू कैंपेन पर क्लिक करते हो तो आपका जो न्यू कैंपेन की पूरा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसा अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो इस वजह से हमारा थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है ओपन होने में, बट जैसे अभी आप देखिए अभी आपका हमारा ओपन जो है हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो हमारा न्यू कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कई तरह की आपको एड्स आपको देखने करने को आपको मिल जाएंगे, जिससे आप जो है एड्स अपनी चला सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, क्रिएट विदाउट गोल कैंपेन चलाना है और क्या करना है, हमको वीडियो एड चलानी है। वीडियो एड पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर इस वजह से क्लिक करो तो यहाँ पर आपको देखो कस्टम वीडियो कैंपेन आपको मिलेगा। जैसे वीडियो कैंपेन करने का तो आपको क्या करना है, हमको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अपन में जो कंटिन्यू पर आप क्लिक करते हो तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपने जो है आप वीडियो को किस तरीके से आपको चलाना है, पूरा के डाटा किस तरीके से फिल करना है, वो यहाँ पर आपका इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, थोड़ा इंटरनेट का इशू है तो इस वजह से आप बने रहिएगा, पर एंड तक आपको पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको जो अपना वीडियो का कैंपेन है वो किस तरीके से आपको रन करना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो न्यू कैंपेन है वो हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको देखिए जो आपको वीडियो कैंपेन है हमारा, सेकंड है आपका ऑप्शन है कैंपेन नेम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो है जो आपको वीडियो होगा उसका कैंपेन किस नाम से चलाना है वो अपना कैंपेन का नाम दे दीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि आपको कुछ एक स्पेसिफिक नाम आपको लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो एक नाम दे देते हैं, वो नाम दे देते हैं हमने, हम यहाँ पर अपना टेस्ट वन। तो टेस्ट वन हमने अपना इसका जो का इसके कैंपेन का नाम रख दिया। अब आपके इसके बाद आती है विद स्ट्रेटजी। विद स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, हमको कॉस्ट पर व्यू सेलेक्ट करना है आपको। जैसे कॉस्ट पर व्यू जो को मतलब हर व्यू की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, वो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो जो कैंपेन है उसका बजट आपको सेलेक्ट करना है। बजट आपको डालना है, कितने बजट के आप जो है ऐड आप रन करना चाहते हैं। और मैंने आप जैसे 300 रुपये आपने मैंने सेलेक्ट किया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो है कितना भी आप अपने ऊपर कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो देखो ड्यूरेशन जो टाइम है, टाइम कितने टाइम के लिए आप जो अपनी एड्स रन करना चाहते हैं, यहाँ पर कितना भी आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपका जो पैसा होगा उतना ही खर्च होगा जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे 300 रुपया हमने डाला है तो 300 रुपया ही खर्च होगा, ना कि आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा आपका खर्च होगा आपका। तो इसके बाद आप देख सकते हो नीचे आता है नेटवर्क। तो नेटवर्क जैसे आप क्लिक करते हो जो हमारा जिसमें आपको जो कि जो वीडियो सर्च में आनी चाहिए, यूट्यूब पे एड्स आनी चाहिए, वो एड्स कहाँ पे आनी चाहिए, तो हमको ये दो पहले दो अपने सेलेक्ट करने हैं, तीसरा वाला हमको जो है हटा देना है। जैसे तीसरा वाला हटाने के बाद हमारा अगला स्टेप जो आप देख सकते हो वो है लोकेशन का। तो दोस्तों लोकेशन में क्या है, हमको अपनी ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन ही आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे हमारा अगर हमारा हिंदी की वीडियो तो हिंदी के जो उतनी भी स्टेट कंट्री हैं सिटीज हैं वो ही सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, ना कि आपको ऐसा करना है कि अपने हमारा ओवरऑल इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया और जहाँ पर कुछ साइड जैसे तो कुछ जगह पर क्या होता है कि जो है इंग्लिश बोली जाती है तो वहाँ पर अपना जो वीडियो है हिंदी का क्यों देखेंगे लोग, तो हमें वहाँ पर आपका जो पैसा वैसे ही वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पर अपनी जो है टारगेट जो ऑडियंस है उसको आप टारगेट कर सकते हैं कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो कहाँ कहाँ आपकी जो है बोली जाती है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, थोड़ा गूगल की हेल्प ले सकते हैं कि हमारी जो हिंदी की जो सिटी हैं वो कौन कौन सी सिटी हैं, वो आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मैनुअली आप सेलेक्ट करिएगा और उनको ऑडियंस को अपनी जो है टारगेट
कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो फटाफट से अपना जो है जो ऑडियंस है, जो हिंदी सिटी जो है जिनमें जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वो सिटीज फटाफट से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो हमने जो हिंदी वाली जो हिंदी लैंग्वेज वाली है वो सिटीज हमने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको जो लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करनी है, हिंदी इंग्लिश कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपको इन्वेंट्री टाइप आपको छोड़ देना है, एसक्यूएल टाइप्स ऑफ एड्स एंड लेबर्स ये भी आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपका रिलेटेड वीडियो में आपको जो है कुछ नहीं करना, उसको आपको एडवांस सेटिंग में आना है। जैसे आप एडवांस सेटिंग्स में आते हो यहाँ पे आपको मिलता है डिवाइस का ऑप्शन। जैसे आप डिवाइस ऑप्शन क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको तीन चार डिवाइस आपको जिसमें आपको लैपटॉप में देखना है, मोबाइल्स में देखना है, या टीवी में देखना है, कंप्यूटर में देखना है, वो आपको क्या करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर फिलहाल जो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन ही अपना जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। खैर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी कैपिंग छोड़ देना है आपको, एड शेड्यूल छोड़ देना है आपको, और क्रिएट योर एड आपको इसमें वीडियो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको हमारा नीचे अगला ऑप्शन आप देख सकते हो, पीपल्स को जो ऑडियंस टारगेट करते हैं वो वाला ऑप्शन है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का जैसे आप नीचे आओगे तो ये अपना जो हमारे जो एड क्राफ जो हमें यहाँ पर जो पिछला नाम ही आप लिख देते हैं उसको कोई इशू नहीं, आपको कुछ ना लिखें तो भी कोई नहीं दिक्कत नहीं है आपका। तो डेमोग्राफिक पर जैसे आप आते हो यहाँ पर तो यहाँ पर आपको जो है जो ऑडियंस है आपकी जो किस मतलब किस क्या एज है वो अपनी यहाँ पर जो है सेलेक्ट करनी है हमको। तो चलिए फिलहाल हम इसको जो अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो जेंडर आप अननोन हटा देते हैं और एज हमारी कितनी रहनी चाहिए तो हमारी अननोन 65 प्लस भी हटा देते हैं हम अपना, और ये आपका 55 से 65 के बीच भी हटा दिया हमने। और इसके बाद हमने चलो इतना ही है और कुछ नहीं करना आपको इसमें। उसके बाद ऑडियंस, उसमें आप ऑडियंस आप देखोगे आपका कैटेगरी वाइज भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब अपना जैसे टेक्नोलॉजी भी जो है, फूड है, कुकीज जो जितने भी इंटरटेनमेंट है वो अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो बट हमने यहाँ पर कोई सेलेक्ट नहीं किया है। उसके बाद हम लोग कीवर्ड्स टॉपिक्स और प्लेसमेंट कुछ नहीं करना है इसमें। अब आपको हमके आप करनी बिडिंग आपको मतलब हर जो वीडियो है उसकी कॉस्ट कितनी रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पर चलो रख लेते हैं 30 पैसा एक वीडियो का जो हो 30 पैसा हम यहाँ पर रख लेते हैं। 30 पैसा रखने के बाद अब आपको यहाँ पर आता है क्रिएट योर एड। तो यहाँ पर अपना क्या है अपनी वीडियो का कोई एक लिंक लेना है और वो आपको सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपको जो है पेस्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने ये अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया और यहाँ से अपना जो है कंटेंट में हम आएंगे अपना। तो जैसे हम कंटेंट पर क्लिक कर लेते हैं तो हमने ये कंटेंट पर क्लिक किया। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद अपनी जो एक वीडियोज है तो वीडियोज को क्या करना है यहाँ से आपका जो वीडियोज का अपना एक लिंक कॉपी करना है। जैसे आप अपना लिंक कॉपी कर लेते हैं तो चलिए हम इस प्रॉपर से हमने इसका लिंक भी कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे अपनी जो लिंक पेस्ट कर देनी है। तो चलिए हमने यहाँ पे अपना लिंक भी पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हो वीडियो डिस्कवरी एड आपको सेलेक्ट करना है। इसके बल आपको नहीं, इसके बल आपको जो एड्स होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, तो हमको करना है वीडियो डिस्कवरी एड्स सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे लिखना है यहाँ पर जो तीन हेडलाइन है आपको यहाँ पर लिखनी है। हेडलाइन में लिखना है हमको लिखने क्या है मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ये हम आप इसमें लिखेंगे। चलिए तो हम इसको भी फटाफट से लिख देते हैं मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज। अब आपको क्या करना है इसको जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमको जो है जो नीचे आप देखें ना डिस्क्रिप्शन है जो तीनों जो रिक्वायर्ड हैं इसमें हमको जो है फटाफट से इसको पेस्ट कर देना है। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको जो पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए हमने इसमें पहला पेस्ट कर दिया, इससे सेकंड वाले में भी पेस्ट कर दिया। सेकंड पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखो क्रिएट कैंपेन, तो ये यहाँ पर आप क्रिएट कैंपेन आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर देते हो आपका कैंपेन जो है क्रिएट हो जाएगा। अपना जो है जो गूगल एडवर्ड की टीम है वो आपका जो कैंपेन आपने रन किया हुआ है उसे रिव्यू करेगी, रिव्यू करने का अप्रूव कर दे। अप्रूव जैसे अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपके वीडियोज के जो है एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको मन में फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है
तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।